तो अजीज़ साथियों, एक मसला, अब चूँकि आखिरी अशरा आने वाला है तो एहतिकाफ़ के सिलसिले में लोग पूछते रहते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का जो एहतिकाफ़ है वह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। पहली बात तो यह है कि वह सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और उसके बाद दूसरी क़ैद है मुअक्कदा है। मुअक्कदा होने का मतलब ये होता है कि अगर उसको नहीं करेंगे तो फिर गुनहगार होगा। जैसा ज़ोहर से पहले के चार रकात सुन्नत मुअक्कदा है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। तो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। लेकिन एक क़ैद ये है कि वो अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है ऐसा अमल जिसको बाज़ लोग अगर कर लेते हैं तो सारे लोग गुनाह से बच जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं करता तो सब के सब गुनहगार होंगे। उसकी मिसाल नमाज जनाजा है, यह फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी अगर चंद मुसलमान किसी मुसलमान का नमाज जनाजा अदा कर लेते हैं तो फिर सारे मुसलमान गुनाह से बरी हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी तो फिर सारे मुसलमान, सारे बस्ते वाले गुनहगार होंगे। तो इसी तरीके से ये जो एहतिकाफ़ है, बस्ती का कोई एक फ़र्द भी अदा कर लेता है तो सारे बस्ती वाले गुनाह से महफूज हो जाएंगे, अगर कोई भी नहीं करता तो फिर सारे बस्ती वाले गुनहगार होंगे। इसलिए इसका अहतमाम करना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन यानी सबसे ज़्यादा सवाब की जगह बैतुल्लाह है, अल्लाह ताला का घर है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबवी, और तीसरे नंबर पर बैतुल मुक़द्दस है, और इसके बाद अपने शहर की जामे मस्जिद है। फिर उसके बाद एतिकाफ़ मसनून, एतिकाफ़ के लिए शर्त है कि ऐसी मस्जिद में किया जाए जहाँ पर पंज वक्ता बाजमात नमाज होती हो। और ऐसे मस्जिद के अंदर 20 रमज़ान के बाद यानी 20वें रोज़े ख़त्म होने के बाद यानी 21वें शब के शुरू होने से पहले ही एतिकाफ़ करने वाला मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए और ईद का चाँद नज़र आने तक वह बाहर ना निकले। तो एतिकाफ़ के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं कि किस ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकते हैं और किस ज़रूरत के लिए बाहर नहीं निकल सकते। जो बशरी तकाज़े हैं उसके लिए तो जा सकते हैं, इस्तिंजा वग़ैरह के लिए जा सकते हैं, वज़ू करने के लिए जा सकते हैं, और उस दौरान कोई मिल जाए तो सलाम कलाम भी कर सकते हैं। चलते चलते रुक कर किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होगी, और भी बहुत सारी पाबंदियाँ होती है। वो सारी चीज़ें उलमाए किराम से मिलकर मालूम करना चाहिए वो लोग जो एतिकाफ़ करने का इरादा रखते हैं। और औरतों के एतिकाफ़ के सिलसिले में इतनी बात याद रखना है कि औरतें अगर एतिकाफ़ का इरादा करती है तो उन्हें चाहिए कि रोज़ाना वो जिस ख़ास जगह पर नमाज़ पढ़ती है उसी जगह को एतिकाफ़ के लिए मुख्तस कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है, घर में कोई ख़ास जगह नमाज़ पढ़ने के लिए मुतय्यन नहीं किया गया है, तो ऐसी सूरत में एतिकाफ़ के लिए किसी पाक साफ़ जगह को मुतय्यन कर ले और उसी के अंदर अपने रहने की पाबंदी करे और दीगर घरेलू कामकाज भी ना करे तो बेहतर है। खालिस इबादत के लिए, तौबा इस्तग़फार के लिए और इबादत के लिए मुख्तस कर दे और ख़ूब अल्लाह ताला से आहोज़ारी करे, गुनाहों से तौबा मांगे और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करे। तो औरत भी मसनून एतिकाफ़ कर सकती है, लेकिन उसके लिए घर के अंदर करना ज़रूरी है। मस्जिद में आना औरत के लिए जायज़ नहीं है। ऐसा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आमाल को कबूल फरमाए। सदकल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।